बड़ा होकर वो अच्छा इंसान बने, मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए। इस ठंड में लाइक सुबह उठकर ब्रेकफास्ट बनाना, पानी पकड़ना, लाइक मैं क्या बोलूँ, मेरा लेकिन तबीयत भी ठीक नहीं है, मेरा तबीयत भी ख़राब है। जब से मैं आसाम से आई हूँ तो मेरा तबीयत ख़राब ही चल रहा है, क्योंकि अभी मुझे कफ कोल्ड हो रखा है और बीच में मुझे बुखार भी हुआ था। और उसके बाद आरफ का भी तबीयत इतना ठीक नहीं रहता है, आरफ का तबीयत भी बहुत ख़राब रहता है। तो आरफ का भी कोल्ड कफ है और वायरल फीवर था उसका भी, इतना भयंकर वाला सर्दी लग रखा है, मैं क्या बोलूँ। मेरे वॉइस से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मेरा तबीयत कितना ख़राब है। अभी ठंड भी इतना है कि मैं क्या बोलूँ। अभी आरफ के पापा आए हैं तो अभी उनके लिए भी सुबह सुबह उठकर ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है, तो बहुत ठंड है। लाइक यू नो, ये करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हम एक फ़ौजी वाइफ है, जितना उन्हें तकलीफ़ होता है हमें भी तकलीफ़ उठाना पड़ेगा ही, इसलिए तो हम उनके साथ क्वार्टर में आते हैं। तो ऐसे नहीं कि हम क्वार्टर में इंजॉय करने आते हैं। देखो सुबह सुबह उठकर हम अभी सुबह का अभी 5:30 समथिंग बजे है और मैं उठी हूँ। इस ठंड में उठकर हम सुबह से काम करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने फौजी लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं, अपने हस्बैंड लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं। हाँ, मेरे आप स्वेटर को देख सकते हो, ये मेरे हबी का स्वेटर है। मुझे जो जहाँ पड़ा मिलता है मैं वही पहन लेती हूँ, क्योंकि लाइक मैं ऐसी हूँ। अभी मैं हबी के लिए पुलाव बना रही हूँ। सो ये सब मैंने सब्जी कट कर लिया है, सो मैं इसी से अभी पुलाव बनाऊंगी। आज बहुत ठंड है ना? नहीं नहीं बहुत गर्मी है यार, पसीना छूट रहा है मेरा। और आपको तो कहाँ ठंड लगता है? अरे देखो जल्दी कर यार, टाइम हो गया यार, 7:30 बज गया। क्या बना रहे हो? 7:30 बज गया। क्या बना? पुलाव पुलाव पुलाव। इसके नीचे बनाओ। काला काला वाला क्या है? ओ ये रात का जला जला हुआ। कुछ जला हुआ नहीं है। ठीक है। मटर आलू क्या सब सब्जी होती है? यहाँ नया टाइल्स तो लगा दिया है, इस जगह पे नया टाइल्स तो लगा दिया, लेकिन चिमनी क्यों तोड़ दी मुझे समझ नहीं आया। मतलब कुछ भी। कैसा है, कैसा बना है? अच्छा अच्छा है, अच्छा है, बढ़िया है। अरब अरब अब इतना जल्दी क्यों उठ गए? अरब अब क्यों उठ गए? नहीं रोते बेटा। ब्रेकफास्ट मैंने बना ही लिया था कि आरव जो है वो उठ गया, तो उसे मुझे फिर से फिट कराकर सुलाना पड़ा। और अभी मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट निकाल लिया है, तो मैं अभी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। हबी तो वैसे भी खाकर चले गए हैं, तो उनके लिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे ही बनाती रहती हूँ, क्योंकि अभी जब से आए हैं इतना पतले हो गए हैं, मैं क्या बोलूँ। उनकी बॉडी में जितना हड्डी जो है वो सब बाहर निकल आया, मैं क्या बोलूँ। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ पहले। चलो मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, फटाफट से मैं अपना काम कंप्लीट कर लेती हूँ, नहीं तो आरफ उठने के बाद मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी। आजकल ये कचरा वाला भी इतना जल्दी आता है, सुबह 8:30 के करीब आ जाता है। बाप रे बाप, अभी तक फॉग है आप देख सकते हो। सो गाइस, अभी मैं आरफ को ब्रेकफास्ट करा रही हूँ, क्योंकि आरफ अभी जस्ट उठा है, सुबह के 8 बजे है, 6:30 के करीब उठ गया था, फिर मैंने इसको फीड कराकर सुला दिया। अभी ये देखो कितना बदमाशी कर रहा है, ये देखिए कितना बदमाशी कर रहा है आरब। तो इसको मैं अभी नेस्टाम खिला देती हूँ। ये है इसका सुबह का ब्रेकफास्ट। ये देखो आरब कैसे कैसे मुंह जो बना रहा है। हाय, इसके सामने रखना पॉसिबल नहीं है। देखो 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 क्या क्या करता रहता है आरब। नो आरब, नो आरफ, नो आरफ, नो। तो चलो मैं इसे फटाफट से ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ, नहीं तो ये मतलब क्या बोलूँ। इसका नखरे देखा, मैं कोशिश करती हूँ इसे बिना फोन का खिलाना। आरफ नो, पातो चुचू, नो पातो चुपा।
ये खाते वक्त कितना नखरे करता है देखा आपके। कोको 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 चुनू देखा आपने कितना नखरे कर रहा है ये लड़का। सो खिलाना मतलब मैं क्या बोलूं, खिलाना तो पड़ेगा जैसे भी करके। मैं यहाँ आरफ को अच्छे से कॉटन के कपड़े से मुंह फेस अच्छे से पोंछ के देती हूँ। सेवा मेट का क्रीम लगा दी आरव। आजकल मेरा जो आरव बेटू है वो खाने में इतना तकलीफ देता है मुझे, मैं उसे जैसे तैसे खिलाती हूँ। टीवी चलाने पर वो टीवी देखकर खा लेता है, अगर मैंने टीवी नहीं दिखाया तो वो खाने में बहुत ज़्यादा नखरे करता है। मैं उसे जैसे तैसे कभी कभार टीवी बिना भी खिलाती हूँ। सर्दी लग रखा है तो अभी मैं इसका बाल भी नहीं धो पा रही हूँ अच्छे से। दिखाओ, शो मी योर हेयर। अरब को फिलहाल बॉनिसन जो है बॉनिसन पिला रही हूँ। इसको जल्दी से चुपके से पिला देती हूँ, नहीं तो ये क्या बोलूँ, रुको। ये तो बस पियो पियो देखा देखा पीने पिला ना तकलीफ करता है। बॉनिसन जो है वो हिमालय हर्बल कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है, तो ये आप न्यूबॉर्न को भी दे सकते हो, न्यूबॉर्न से लेकर वन ईयर के बच्चों को भी दे सकते हो, वन ईयर के बाद के बच्चों को भी आप दे सकते हो। कितने कितने डोज देने हैं न्यूबॉर्न से लेकर थ्री ईयर्स के बच्चों को वो आपको लेने के बाद ही पता चलेगा। आरव 17 मंथ्स का हो गया है तो मैं उसे 3 टाइम्स पिलाती हूँ डेली। मैं आरव को लेकर छत में आई थी तो मैं यहाँ आरव के साथ खेल भी रही हूँ और धूप भी सेक रहे हैं हम माँ बेटे। बॉनिसन जो है वो पेट से जुड़ी हुई समस्या के लिए काफ़ी लाभदायक है, ये बच्चों के वेट को भी गेन करता है। मैंने आरव के लिए एक अल्फ़ाबेट बोर्ड लिया है जिसमें वो अल्फ़ाबेट लगाएगा तो उसे जल्दी से मतलब अल्फ़ाबेट सीखने में तकलीफ नहीं होगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया है। ये अल्फ़ाबेट स्टिकर मैंने लिया है आरव के लिए, तो मैं इसे रोज पढ़ाती हूँ ताकि इसका अभी से मतलब ब्रेन जो है वो शार्प रहे। देखो देखो ए दो ए ए बी का बी 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 और सी सीधो आरव को अभी ये सब कहाँ समझ में आएगा, फिर भी मैं उसे थोड़ा बहुत कोशिश करके उसे समझा रही हूँ ताकि उसे चीज़ों की समझ हो। तो अभी से अगर मैंने उस पर थोड़ा प्रेशर दिया तो वो आगे जाकर उसका ब्रेन भी शार्प होगा। मैं कोशिश करूँगी कि जितना मुझसे हो पाए मैं अपने बेटे के लिए करूँगी ताकि वो फालतू चीज़ें ना सीखे और अच्छी अच्छी चीज़ें वो सीखे और बड़ा होकर वो अच्छा इंसान बने। मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए। लगाने के बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। क्या किया अरब, ये सब क्या किया, ये सब क्या किया आपने? चुनू हो गया, पानी पीना हो गया आपका? अच्छा ठीक है, मैं ढक्कन मार देती हूँ। हो गया। बहुत पानी पी, प्यास लगा था अरब को। नहीं अरब, हाँ अरब, ये क्या कर रहे हो? अरे अरे अरे, अच्छा नहीं है ना बाबा। और अरब के लिए मैंने कुछ बुक्स भी लिए हैं, यू कैन सी यहाँ फ्रूट्स के है, ए बी सी डी का बुक है,
वाइल्ड एनिमल व्हीकल्स इसको मैं दिखाऊंगी, वेजिटेबल्स ये सब मैं उसे पढ़ाऊंगी। अभी ये सब पढ़ने का उसका टाइम नहीं हुआ है, फिर भी मैं उसे थोड़ा बहुत सिखा रही हूँ ताकि उसका जो ब्रेन हो वो शार्प हो जाए। और मुझे शेप्स वगैरह का भी बुक्स लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसको कलर की पहचान नहीं होगी तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले कलर शेप्स वगैरह और कौन से कलर है वो सब उसे मुझे सिखाना पड़ेगा। ये देखो आरव को क्या कर रहा है, मेरा आरव पिट्टू कार्टून देख रहा है। इसको मैं बार बार जूता लगा देती हूँ और ये बार बार खोल देता है। ये लड़का कार्टून देखकर नाच रहा है, देखो डांस कर रहा है। ओहो ऐड आ गया, चेंज कर देती हूँ ना। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना ठंड है और ये ना सैंडल पहनता है ना जूता पहनता है, मैं क्या बोलूँ, मैं परेशान हो चुकी हूँ। मतलब इसको ना जूता पहनने का मन है ना सैंडल पहनने का मन है। आरव को मैं अभी लहसुन के तेल से मालिश कर दूंगी, है ना आरव? आपको मालिश करने में बहुत अच्छा लगता है ना? झुनूरी, ये चीज़ आरव का बहुत अच्छा है कि मैं जब आरव को मसाज करती हूँ तो आरव बहुत इंजॉय करता है मसाज को, वो हिलता भी नहीं है। होते हैं कुछ कुछ बच्चे जो मसाज करने के लिए नहीं मानते, लेकिन मेरा आरव ऐसा नहीं है। अगर मैं उसे मसाज करूँ वो मसाज का बहुत इंजॉय लेता है और अच्छे से उसका मसाज मैं करके देती हूँ। मैं आरव के लिए अभी खिचड़ी बनाऊँगी। सो यहाँ पर देखो मटर, बीन्स, आलू, गाजर, बीटरूट मैं ऐड नहीं करती हूँ क्योंकि आरव नहीं खाता है। फिर यहाँ पर है थोड़ा सा मसूर दाल और चावल और एक छोटा सा मिर्ची। अगर मिर्ची ना होना तो आरव नहीं खाता है, तो उसको थोड़ा मतलब स्पाइसी पसंद है। मैं यहाँ पर आरव को बटर, घी के जगह बटर देती हूँ क्योंकि आरव जो है वो घी बिल्कुल पसंद नहीं करता है। मैं अगर मैं खिचड़ी में घी ऐड करती हूँ तो वो बिल्कुल नहीं खाता है। लाइक थोड़ा सा सब्जी ऐड कर देती हूँ, मैं कुछ तड़का नहीं लगाऊंगी। अगर मैं पाँचफूरन, जीरा वगैरह ऐड करती हूँ तो आरव नहीं खाता है, उसे सिंपल ही खिचड़ी पसंद है। वैसे और यहाँ मैंने दाल और चावल भिगोकर रखा था और एक छोटा सा मिर्ची वो मैं डाल देती हूँ। करूँगी नमक, बस इतना सा ही मैं ऐड करूँगी, ऐसा बस। अगर घी तो वो अच्छे से खाएगा। और थोड़ा पानी चाहिए। सो हो गया, मैंने पानी ऐड कर लिया है, अभी मैं ढक्कन बंद कर लूँगी। तो कुकर का ढक्कन मैंने बंद कर लिया है और इसमें मतलब अभी 8-9 सीटी लगाने के बाद ही जो चावल है वो थोड़ा गलेगा, नहीं तो अच्छे से नहीं गलेगा। तो इसी वजह से मैं 8-9 सीटी लगाती हूँ। यहाँ मैंने बनाया, आप देख सकते हो, बैगन फ्राई विद दाल। आज मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बनाया, सिर्फ दाल और बैगन फ्राई और ये हमारा कल्चर डिश विद प्याज, और कुछ नहीं बनाया क्योंकि मेरा तबीयत इतना ठीक नहीं है। तबीयत का पूरा हवा टाइट हो रखा है, तो हालत तो बहुत ख़राब हो रखा है। या हस्बैंड भी आ गए हैं, क्या ढूँढ रहे हो? आरव का खिचड़ी मैंने बना लिया है, मैंने मैश कर लिया है आरव का खिचड़ी। गर्म पानी को नीचे रख देती हूँ ठंडा होने के लिए, नहीं तो ज़्यादा ही गर्म है। ये लड़का खाली अपना जूता खोल देता है। जूता क्यों खोला? ये जूता का है, क्यों खोला जूता? मारू आपको। जूता क्यों खोला आपने? खाना खाते चलो, आपकी मम्मा ने आपके लिए फेवरेट खिचड़ी बनाया है। आरव चलो खिचड़ी खा लो। आरव को खिलाने के पहले मैं चेक करती हूँ कि जो खिचड़ी है वो थोड़ा ठंडा हुआ है कि नहीं, और टेस्ट भी चेक करती हूँ कि नमक हुआ है कि नहीं। ये मैं ही नहीं, हर कोई माँ करती होगी। माँ तो दे
कार्टून देख रहा है ना, इसलिए चुपचाप है। शाम हो गया है, मैं थोड़ा आरव के साथ निकली हूँ। रोज तो नहीं जाती हूँ क्योंकि बाहर ठंड बहुत है और ठंड ज़्यादा लगने से आरव भी बीमार पड़ सकता है। मैं तो वैसे भी बीमार हूँ। पहले बहुत लोग निकलते थे, अभी बहुत कम लोग निकलते हैं ठंड के वजह से। हमारे क्वार्टर्स पे अभी दूसरे यूनिट के लोग भी आए हैं। जिन जिन लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा है, जब अगर मुझे देखते हैं वो झट से आकर मुझसे पूछते हैं कि दीदी आप ब्लॉग बनाते हो ना, हम आपका ब्लॉग देखते हैं। हम जब क्वार्टर आने वाले थे तो आपका ब्लॉग देखकर ही आए हैं कि कोलकाता जो क्वार्टर है वो कैसा है, आप बहुत अच्छा ब्लॉग बनाती हो। सुनकर एक खुशी सी होती है कि लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है। आरव को मैं स्टॉलर पे राइड करवा रही हूँ और मैं आरव के साथ वर्क कर रही हूँ। अभी शाम पूरा ढल चुका है, यू कैन सी आरव को, देखो। शाम को एक बेबी का बर्थडे था, हम उसी के बर्थडे में आए थे, मैं और आरव। ये हमारे नीचे के फ्लोर पर रहते हैं।